सो हाई एवरी वन, वेलकम टू माई चैनल एंड दिस इज प्रीति धनगल। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्लिपकार्ट हॉल। एक्चुअली फ्लिपकार्ट से मैंने कुछ मेकअप के प्रोडक्ट, कुछ डेली यूज के लिए सामान ऑर्डर किया था, वो आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। एंड इन केस इनमें से कोई भी प्रोडक्ट आपको भी चाहिए होगा, ट्राई करना चाहते हो, तो इन सभी के जो बाइंग लिंक्स होंगे वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हुए हैं, तो आप उन लिंक्स को चेकआउट कर सकते हो, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। आज का जो हॉल वीडियो है, फ्लिपकार्ट हॉल वीडियो, वो अंडर 250 रुपीज़ होने वाला है। ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बहुत ही अफोर्डेबल हॉल होगा आज का, तो आप चेकआउट कर सकते हो। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज डू फॉलो फॉर माय लेटेस्ट अपडेट। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज प्रीति धंजल 29। लेट्स बिगिन। सो गाइस, फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने फ्लिपकार्ट से पिक किया वो है ये मार्स का हाइलाइटर। मार्स के जो प्रोडक्ट होते हैं बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं, तो मैं भी ये ट्राई करना चाहती थी। एंड ये हाइलाइटर इनर पैकेजिंग कुछ इस टाइप की होगी, जिसमें आपको 5 कलर मिलेंगे। एंड ये पीच कलर भी है, इसमें पिंक कलर भी है एंड वाइट कलर भी है, हल्का बिल्कुल पिंक कलर होगा। एंड इसकी जो पिगमेंटेशन है मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये देखिए इसकी पिगमेंटेशन हाइलाइटर। एंड ऐसे प्रोडक्ट की ना, इसमें हल्का सा शिमरी लुक भी है, तो ऐसे प्रोडक्ट की खास बात ये होती है कि आप इनको एज ए आई शेडो भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप सिंगल कलर अप्लाई करना चाहते हो अपने आईलेट पे, तो इन कलर्स को आप पिक कर सकते हो, ये एज ए आई शेडो भी काम करेगा एंड आप हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हो। इसके साथ अगर आप मैट लिपस्टिक लगा रहे हो या ग्लोसी भी लगा रहे हो, तो बिल्कुल हल्का सा इफेक्ट शिमरी, अगर आप थोड़ा सा चंकी सा लुक देना चाहते हो तो भी आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो बहुत अच्छा पार्टी वेयर लुक, नाइट पार्टी के लिए लुक बड़ा अच्छा सा लुक आएगा इसके साथ। सो ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत क्यूट सी पैकेजिंग है एंड इसका प्राइस कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत अफोर्डेबल है। 219 रुपीज़ में मुझे ये रिसीव हुआ, तो बहुत ही क्यूट सी पैकेजिंग और या अफोर्डेबल प्राइसेस, सो आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने बाय किया वो भी एक ब्यूटी प्रोडक्ट है, विच इज़ आईब्रो पैलेट। वो भी मार्स से है, मार्स ब्रांड का आईब्रो पैलेट। ये पैलेट मैंने फ्लिपकार्ट पे देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली ये आपकी आउटर पैकेजिंग होगी एंड इनर पैकेजिंग कुछ सेम इस टाइप की, जैसे मैंने अभी आपको हाइलाइटर दिखाया था, सेम पैकेजिंग है। और अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो इसमें हमें 2 स्पूले मिलेंगे, कुछ इस टाइप के स्पूले, जिसमें आपको एक आईब्रो को काम करने के लिए ब्रश मिलेगा एंड दूसरा अप्लाई करने के लिए आपको एंगल ब्रश मिलेगा। एक्चुअली इनका ना साइज़ बहुत छोटा है, तो इतना कन्वीनियंट नहीं होता आईब्रोज़ को फिल करना, तो मैं इनको यूज़ नहीं करती। एक्चुअली मेरे पास ब्रशेस के सेट हैं, तो मैं उनमें से स्पूली वगैरह यूज़ कर लेती हूँ, आईब्रो जो ब्रश है मैं वो यूज़ कर लेती हूँ, तो इनको मेरे से इतना कन्वीनियंट नहीं होता कि मैं इनको यूज़ कर सकती। सो अगर मैं इस पैलेट को ओपन करती हूँ तो ये देखिए इसमें 4 कलर दिए हुए हैं, 2 ब्लैक कलर, 2 ब्राउन कलर एंड 2 स्पूली दिए हुए हैं। तो इसमें एक्चुअली मैं ब्राउन कलर एंड ब्लैक कलर को मिक्स करने के बाद ही अपनी आईब्रोज़ को फिल करती हूँ, क्योंकि अगर आप ब्लैक कलर से अपनी आईब्रोज़ को फिल करोगे तो बहुत फेकी सा लुक आएगा, पता चलेगा सामने वाले को कि आपने अलग से कोई कलर फिल किया हुआ है। इसलिए आपको हल्का ब्राउनिश कलर या ग्रेइश कलर या हल्का ब्लैक कलर आपको यूज़ करना होगा अपनी आईब्रोज़ को नेचुरल लुक देने के लिए। एंड अभी भी अगर आप मेरी आईब्रोज़ देखोगे तो मैंने यही वाले पैलेट से अपने आईब्रो को फिल किया हुआ है, क्योंकि हमें सिर्फ गैप ही फिल करना होता है, शेप को थोड़ा सा इन्हांस करना होता है, अदरवाइज हमारी शेप तो वही रहेगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट हम ब्लैक कलर के साथ, अगर जेड ब्लैक कलर के साथ आईब्रोज़ को फिल करेंगे तो वो नेचुरल इफेक्ट नहीं देगा। इसलिए मैं इन दोनों कलर्स को मिक्स करने के बाद ही अपनी आईब्रोज़ फिल कर सकती हूँ एंड बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट है, मुझे बहुत पसंद आया। सो एक बार लेने के बाद बहुत लंबे टाइम तक ये चलेगा, जल्दी ख़त्म होने वाला ये प्रोडक्ट नहीं है। तो अब इसकी प्राइस की बात करते हैं, इट कॉस्ट मी अराउंड 194 रुपीज़, विच इज़ वेरी अफोर्डेबल। आई थिंक बहुत अच्छा पैलेट है, तो आप भी ट्राई कर सकते हो। सो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैंने बाय किया फ्लिपकार्ट से वो है कामेसी का फेशियल हेयर रिमूवर।
इसका एक्चुअली मैंने इसकी एक्चुअली मैंने कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप देख सकते हो। ये आई थिंक मस्ट हैव प्रोडक्ट है, ये हर किसी के पास, हर लड़की के पास होना ही चाहिए, मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है एंड बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसमें आपको ये कॉम्बो पैक होगा एंड इसमें आपको ऐसे टू रेजर्स मिलेंगे, ये है फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए एंड दिस वन इज़ फॉर योर आईब्रोज। तो इससे आप अपनी आईब्रोज अच्छे से बन जाती हैं, बना सकते हो एंड इससे आप अपने फेशियल के हेयर लाइक आप फोरहेड के या फिर अपर लिप्स के या फिर यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो, तो आपका मेकअप का जो बेस रहेगा फ्लॉलेस रहेगा, प्रोडक्ट भी ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इनको आप ट्राई कर सकते हो, कारमेसी ब्रांड के फेशियल हेयर या बॉडी शेवर भी बहुत अच्छे होते हैं, आप ट्राई कर सकते हो। अगर आप कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वो आप चेकआउट कर सकते हो। एंड इसका जो प्राइस है वो 175 रुपीज़ है, तो ये भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस है। 175 रुपीज़ में एक अच्छा सा प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ताकि अगर आपके पास टाइम नहीं है फेशियल हेयर रिमूव करने का, थ्रेडिंग करवाने का, अपर लिप्स फोरहेड करवाने का, तो आप ये यूज़ कर सकते हो एट होम। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने फ्लिपकार्ट से बाय किया वो है ये निविया का मॉइस्चराइजर। इट कॉस्ट मी अराउंड 129 रुपीज़ एंड जिसमें आपको 100 ml की क्वांटिटी मिलेगी। ये मॉइस्चराइजर मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये आप वैसे भी विंटर्स में मॉइस्चराइजर चाहिए होता है सबको, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड मेकअप से पहले भी जैसे मॉइस्चराइजर फेस पे लगाना होता है तो उसकी जगह पे भी आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो, तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये। मैंने इतना तो मैंने यूज़ भी कर लिया, अगर आपको वाइट सा फोकस नहीं बन पा रहा, यूज़ कर लिया काफ़ी छोटा सा टब, इसमें बड़ा टब भी आता है तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो, बट ये मुझे बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा, ट्राई कर सकते हो आप। सो नेक्स्ट जो मैंने प्रोडक्ट बाय किया उसके पीछे छोटी सी स्टोरी है। एक्चुअली मैंने बाय किया ये फर्स्ट एड बॉक्स या फिर मेडिसिन बॉक्स भी आप बोल सकते हो। तो एक्चुअली मेरे घर में ना जो बेसिक मेडिसिन होती हैं, जैसे पेन किलर हो गया या फिर विक्स हो गई, ऐसी छोटी मोटी जो मेडिसिन होती हैं वो कहीं ना कहीं कभी किसी ड्रॉर में कभी किसी ड्रॉर में होती हैं, जब किसी को चाहिए होती है तो ढूंढते ही रह जाते हैं। देन आई थॉट कि मेडिसिन को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक ऑर्गेनाइजर होना चाहिए, जिससे सभी को पता चले कि मेडिसिन कोई भी है इसी बॉक्स में से मिलेगी। तो मैंने फिर इसको फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया, ये मुझे कॉस्ट किया 249 रुपीज़ एंड जब से ये आया तो हमारे घर के जितनी भी बेसिक मेडिसिन हैं सब इसमें ही होती हैं, चाहे बैंडेज हो, कोई पेन किलर हो या फिर विक्स मूव, जो भी ये सब चीज़ें होती हैं वो इसी में होती हैं, सबको पता होता है मेडिसिन इसी बॉक्स में से मिलेगी एंड यूज़ करने के बाद इसी में रख दे रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गई है लाइफ इसके आने के बाद, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो, मुझे बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा। तो आप देख सकते हो मेरी सारी मेडिसिंस इसी बॉक्स में हैं, 249 इसका प्राइस है, बहुत ही अफोर्डेबल। सो या गाइस, ये था मेरा छोटू सा फ्लिपकार्ट हॉल। जो भी प्रोडक्ट्स मैंने इस वीडियो में आपको दिखाए हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं, आप उन लिंक्स पे जा करके इनको बाय करना चाहते हो तो बाय कर सकते हो। ओके, सो अगर आपको ये वाली वीडियो मेरी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करना, आप कॉमेंट भी कर सकते हो, एडवाइस भी, सजेशन भी दे सकते हो कॉमेंट सेक्शन में। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, बाय बाय। Oh, oh, oh.